तो गाइस देख सकते हो यार, थार के साथ बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो गया है यार यहाँ पे, क्या ही बताऊँ। तो यार यहाँ पे देख सकते हो भाई अपनी रेंज रोवर क्या ही धक्का मारते हुए जा रही है अपने को, और भाई यहाँ पे BMW X7 लिटरली ठोकी जा रही है बहुत ही ज्यादा बुरी हालत से, और लिटरली गाइस यहाँ पे भाई बहुत ही ज्यादा भसड़ मची और भाई गलत सीन अपने साथ। सो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ GDA5। सो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं और भाई फिर से ड्रैग रेस करने जा रहे हैं, और सबसे पहली गाड़ी हम लोग ने ली है थार, तो लिटरली आने वाला है मजा ड्रैग रेस में। तो चलो यार इसी के साथ चलते हैं अपनी ड्रैग रेस की तरफ। सो ऑल राइट गाइज, हम लोग आ चुके हैं अपनी ड्रैग रेस पे, और भाई हम लोग आज करने वाले हैं थार को टेस्ट, और भाई लिटरली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो फुल ऑन भागाते हैं, और मैं पहले ही बता दूं यार अपनी थार जैसे कि मॉडिफाई हुई थी पिछली बार रेस में और बहुत ही बुरा हालत हुआ था अपने साथ, इसलिए मैंने इसको फिर से स्टॉक थार बना दिया है। और लिटरली भाई अभी कार को मैंने वॉश करा के लाया है, तो देखते हो यार गाड़ी कितनी ज़्यादा अपनी चमक रही है। चलो यार फुल ऑन लेके चलते हैं, और भाई इतनी ज़्यादा यहाँ पे धूल उड़ रही है ना कि अपनी गाड़ी की हालात पूरे खराब होने वाले हैं। तो चलो कोई बात नहीं यार, अपनी गाड़ी को फुल ऑन भागाते हुए फिलहाल के लिए अभी लेके चलते हैं, और भाई हम लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे यार क्योंकि अपनी स्टॉक था रहे ना यार, तो भाग नहीं पा रही। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी सुपर कार और भाई SUVs भी है, तो ये दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं यार, हम लोग फुल ऑन कोशिश करेंगे थार को आगे निकालने की। बाकी यार यहाँ पे न्यू वाली ब्रेजा के हमसे बार बार ठोकर खा जा रही है भाई, लिटरली ब्रेजा की हालत उसने निकाल के रख दी। तो चलो यार जल्दी जल्दी से हम लोग थार को भगाते हुए चलते हैं, और भाई ये रेंज रोवर क्या भगाते हुए ले गया यार लिटरली, और मैं क्या बताऊँ यार थार भाग नहीं रही है, भाग रही है, मतलब इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा कम है गाइस, तो थोड़ा सा ना यार स्पीड बहुत धीमे पकड़ी हो लिटरली, वो देखियो पॉश क्या भगा रहा है यार, लिटरली उड़ा रहा है। लेकिन अपनी थार भी कुछ कम नहीं है यार, भगाते फटाफट से और लेके चलते हैं भाई। लेकिन वही बात है यार, स्पीड बहुत ज़्यादा धीमे पकड़ रही है ये थार। तो चलो यार फुल ऑन हम लोग भगाते हुए आ चुके हैं यहाँ से, आराम से भाई लेते नहीं तो अभी जैसे टाटा सफारी की टक्कर हुई थी वैसी अपनी भी टक्कर हो जाती। तो चलो यार हम लोग भगाते भगाते यहाँ तक लेके आ चुके, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में चल रही थार, ये बहुत अच्छी बात है यार। तो चलो यार जल्दी जल्दी से चलते हैं, बस यार ये देख रहे हो यही भाई डिसएडवांटेज है थार का, भागती नहीं है यार, ये भागने लगी ना लिटरली मज़ा सा आ जाए। तो देख सकते हो जैसे कि यार अपने आगे कितनी भाई गाड़ियां लड़ते हुए जा रही है लिटरली, ये देखो पोर्श का बोनट उड़ के आया है भाई लिटरली, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल सीन हो रहा है। अभी हम लोग 8 पोजीशन होल्ड कर रहे थे लेकिन 9 हो गया, कोई बात नहीं यार। और ये BMW का भाई वो पीछे बोनट देख सकते हो यार येल्लो कलर की गाड़ी का, और लिटरली भाई ये फुल ऑन टक्कर दे रही है, रेंज रोवर हट ही जा ना, मुझे हटाना पड़ेगा लिटरली इसको ट्रैक पे, उसके चक्कर में मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ। और भाई चलो जल्दी से चलते हो, और ये क्या सीन था भाई अपनी, मतलब कि एंडेवर का नेक्स्ट लेवल गलत सीन हुआ लिटरली, इतनी दूर तक भाई रोल हुई थी। तो चलो यार फुल ऑन थार को मैं भगाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग पीछे हो चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरी बात है थार के लिए। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हो भाई, ट्रैक की वजह से अभी थार मैंने वॉश करा के लाया था ना, हालत देख लो यार, टायर की हालत देखो, मतलब पूरे तरीके से जा चुके हैं। और भाई ये लेजेंडर यहाँ पे क्या कर रहा है यार ऐसे खड़ा करके, मतलब रेस ट्रैक है यार, थोड़ा सा हट जाओ, शर्म कर लो। तो चलो यार गाइस हम लोग फुल ऑन भगाते हुए लेकिन चलते हैं, सामने ही अपनी गाड़ी जा रही है, और लिटरली भाई लेजेंडर वाला भाई लेजेंडर को भगाना चाहिए यार, उसके पास पावर इतनी है, अपने थार यार इतना भाग नहीं पा रही। लेकिन कोई बात नहीं यार, हम लोग अपनी थारी को आगे लेके चलते हैं, और भाई ज़्यादा स्पीड के चक्कर में हम लोग इसको पता नहीं कहाँ पे खेत वगैरह में कुदाल आए। तो चलो यार जल्दी से चलते, 25 की स्पीड लिमिट लगा था जिसको मैं उड़ाते हुए हटाया हूँ 100 की स्पीड से। तो चलो यार फुल ऑन भगाते हैं, यहाँ से हम लोग को लेना है टर्न आराम से। और भाई ये एंडेवर क्या करना चाह रहा है यार, तो वेट कर रहा था या तो कुछ तो कर रहा है, अपना हार्ट टॉप जा चुका है हर बार की तरह थार का, और भाई अपनी लेजेंडर नीचे जा चुकी है पता नहीं कैसे। तो चलो यार फुल ऑन लेके चलते अपनी गाड़ी को जल्दी जल्दी से यहाँ से, और भाई भाई स्पीड पकड़ना पड़ेगा मुझे क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे यार, 14 रैंक मतलब कि बहुत ज़्यादा बेकार, हद ही बेकार रैंक भाई। तो चलो यार फुल ऑन भगाते अपनी थार को, कोई टेंशन की बात नहीं है यार, देखा जाएगा जो होगा। तो भाई भगाते हुए चल रहे, सामने अपनी कौन सी गाड़ी जा रही है यार, बहुत ही तेज भगाता है, तो वो Hyundai की क्रेटा है। तो चलो यार उसको जल्दी जल्दी से हम लोग पीछे करते हैं यार, क्रेटा को तो पीछे कर ही सकते हम लोग। तो फुल ऑन भगाते भाई अब थार को, फुल ऑन भगाते हैं यहाँ से, और भाई ये लास्ट लैप चल रहा है और इसके बाद होगी रेस ओवर है यार, देखते हैं हम लोग कर पाते कि नहीं, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे, और सबसे आगे अपनी BMW की X7 चल रही है भाई जो कि काफ़ी सही है, और उसके पीछे वेन्यू चल रही है लिटरली, और Lamborghini Sian भाई, तो बहुत ज़्यादा सही कॉम्पिटिशन। और भाई
कहां कहां से ये भाई एंडेवर वाला बंदा कहीं से भी कूदा के ला रहा है, टाटा सफारी को भगा रहा है यार। बंदे को सामने देखो तो यार, लिटरली भाई बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल ड्राइवर है अपने पास। तो कोई टेंशन की बात नहीं, गाड़ी की ऐसी की तैसी करके रख देते ये लोग रेस के बाद। तो चलो यार फुल ऑन भगा रहा हूँ भाई, थार कंट्रोल बहुत अच्छी हो जा रही है कहीं कहीं पे यार, लिटरली मजा सा आ जा रहा है। चलो फुल ऑन भगाते भाई, लास्ट रैप चल रही है और रेस मेरे ख्याल से बस खत्म ही होने वाली है। तो कोई टेंशन की बात नहीं यार, फुल ऑन भगाते हुए ले चलते हैं अपने को भाई। इसके बाद एक और लैप करना और BMW X7 लास्ट लैप पे आ गई है, जो कि भाई अपने लिए तो बहुत बुरी बात है क्योंकि मुझे अब उम्मीद है यार हम लोग रेस तो नहीं कर पाएंगे खत्म। लेकिन चलो यार तब भी कोशिश करते थोड़ा आगे निकलने की यार, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलो यार फुल ऑन भगाते अपनी थार को यहाँ पे, और भाई टाटा सफारी फुल ऑन भगाते हुए जा रहा है यार, लिटरली क्या ही चला रहा हो। और भाई एंडेवर वाला बंदा कुछ पागल सा हो गया लिटरली यार, हम लोग को पीछे से इतना ज़्यादा ठोका पड़ा है ना कि क्या ही बताओ। तो चलो फुल ऑन भगाते हो भाई, इसने एंडेवर को भगाना चालू कर दिया लिटरली, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल सीन है। तो चलो अपनी थार को भी हम लोग कुछ कम नहीं समझते यार, 150 तो ऐसी टच करवा देंगे। और भाई ये कहाँ से ये मैक्लारेन वाला बंदा यहाँ पे आ जा रहा है अपने सामने। तो चलो यार मैं कोशिश करो यार टो कर ले मैक्लारेन से, अगर मैक्लारेन से टो गई तो लिटरली मैक्लारेन उड़ती है चलने में, तो अपनी थार भी उड़ने लगी थी लेकिन यार नहीं हो पा रहा टो। तो चलो यार फुल ऑन लेके चलते हैं और ये अपना लास्ट लैप है। और भाई BMW X7 मेरे ख्याल से ख़त्म भी करने वाली होगी रेस, क्योंकि यार हम लोग एकदम एंड पे आ चुके हैं। तो चलो यार फुल ऑन भगा देते हैं, कोशिश करते हैं यार कि कुछ रैंक तो आगे आ जाए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे टाटा सफारी को पीछे छोड़ चुके हैं। फुल ऑन स्पीड से क्रेटा को भी ट्राई करते हैं यार पीछे छोड़ने की, अपनी थार को फुल ऑन कंट्रोल में रखते हुए। ऑल राइट गाइस, अपनी था मतलब कि क्रेटा भी हो चुकी है इसी के साथ पीछे, हम लोग फोर्थ लैप भी चल रहे यार, कोशिश करते हैं उनमें जल्दी से जल्दी आगे जाने की। तो ऑल राइट, अपनी फर्स्ट गाड़ी BMW की X7 आ चुकी है, उसके बाद Hyundai की Venue सेकंड पोजीशन होल्ड करते हुए गाइस, और देखते हैं थर्ड कार कौन सी आती है। भाई हम लोग तो नहीं आने वाले ये तो श्योर है, भागी देख लेते यार थर्ड कार कौन सी आखिर होती है। सो चलो यार फुल ऑन भगा रहे अपनी थार को, लेकिन हम लोग यार एट द एंड पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि रेस होने वाली है ओवर 9 सेकंड्स में। और भाई उसके बाद कोई गाड़ी क्यों नहीं पहुँच पा रही यार, मतलब कि लिटरली यार गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पीछे थी, मतलब ये दोनों गाड़ी ने बहुत अच्छी परफॉर्म किया और उसके बाद लैम्बोर्गिनी सियान आई है। और भाई इसी के साथ होती है ये वाली रेस यहीं पे ओवर, हम लोग थार को लेके हार चुके हैं यार, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा स्टॉक थार करवाने के बाद, क्योंकि यार जब रेस ट्रैक में सुपर कार हो और पावरफुल SUV हो तो भाई ये सीन होना तो बिल्कुल मामूली से बात है। तो चलो कोई बात नहीं, अपनी थार को यार फिलहाल के लिए यहीं पर छोड़ते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी को टेस्ट करने के लिए नेक्स्ट रेस पे। सो ऑल राइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट रेस की तरफ, अब सेलेक्ट करते हैं अपनी कौन सी गाड़ी यार हम लोग लिया जाए। तो देखते गाइस कौन सी लूँ मैं गाड़ी। चलो आगे की साइड चलते हैं, BMW की X7 चलाते हैं यार, X7 हमेशा जीतती रहती है, एक बार हम लोग भी यार ट्राई करते हैं X7 को। सो चलो हम लोग X7 में आके बैठ चुके, चलते रेस ट्रैक पे। सो ऑल राइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं रेस ट्रैक पे, जो कि होने वाली है रोड पे भी और साथ ही साथ ऑफ रोड माउंटेन ट्रैक भी होने वाला है, तो लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो फुल ऑन भगाते बाकी बुगाटी को देखो यार, और यार ये क्या सीन है, मतलब मैं आया नहीं ट्रैक पे, इन लोग ठोकना चालू करते सबसे पहले यार, ये जो बहुत बुरी बात है। तो चलो यार फुल ऑन भगाते टाटा सफारी वाले ब्रो, थोड़ा सा साइड होके चलाओ गाड़ी, हमें आगे निकल ले दो यार, लिटरली ये लोग आके रास्ता ब्लॉक कर करके पूरा दिमाग खराब कर देते हैं। तो चलो यार फुल ऑन लेके चलते हैं अपनी BMW X7 को। और थार का भाई देख रहे हो हार्ड टॉप अप मैंने फिर से सही कराया था और ये फिर से बुरी हालत में। सो चलो यार कोई बात नहीं, अपनी BMW X7 को फुल ऑन भगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग अभी थर्ड पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, लेकिन यार ये लोग जिस हिसाब की गाड़ी चला रहे ना, टाटा पंच वाला लिटरली भगा रहा और लड़ चुका और हम लोग भी गड्ढे में आ गए। लेकिन यार BMW X7 में पावर की कोई भी कमी नहीं है, मैं चाहूँ ना यार आराम से इन लोगों को पीछे कर दूँ। और भाई ये कहाँ लेके जा रहे हैं, सियान वाला मुझे भी आके ठोक रहा है भाई, सियान आ चुकी है। चलो फुल ऑन भगाते अपनी BMW X7 को, खाली रोड पे आ रहे हो तो अपनी गाड़ी पूरी भागती है। और सामने देख सकते हो यार एंडोवर वाला इस बार अच्छी चला रहा है यार, इतनी आगे चल रहा है, लेकिन सॉरी टू से ब्रो तुम्हारा टाइम आ गया बस पीछे होने का, तो भाई जब मैं चाहूँ तब पीछे कर दूँ। तो चलो यार फुल ऑन भगाते क्योंकि X7 की पावर तो आप लोग जानते ही होंगे, तो चलो इसको भगा लेने दो। तो चलो गाइस फुल ऑन भगाते अपनी गाड़ी को, बाय बाय एंडोवर को बोलने का टाइम आ गया है, तो बाय बाय एंडोवर। और हम लोग फुल ऑन भगाते हुए चलते यार, स्पीड देख लो, अभी भी मैं फुल स्प्लिट नहीं किया, फुल करूँ ना यार, गाड़ी गाड़ी नहीं है रॉकेट बन जाती है लिटरली भाई। तो फुल ऑन भगाते हुए X7 को हम लोग लेके चल रहे, और एट द एंड हम लोग ने कर दी रेस फिनिश।
भाई बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल सीन। तो देख सकते हो यार अपनी भाई रेंज रोवर आ गई सेकंड नंबर पे, उसके बाद एंडेवर आई है अपनी, उसके बाद भाई पोर्श आई है और लैम्बोर्गिनी सियान आई है, ह्यूंडई वेन्यू आई है सिक्स पोजीशन, फिर पंच आई है भाई ह्यूंडई की क्रेटा आई है, फिर भाई अपनी फरारी आई है, उसके बाद आई है थार। तो भाई इसी तरीके से सब धीरे धीरे करके आप आते ही जा रहे हैं। तो देख सकते हो यार भाई लेजेंडर बहुत स्पीड में लाया। सो चलो यार गाइस ये वाली रेस भी यहीं पर होती है ओवर। अगर आपको ये वाली रेस भी अच्छी लगी हो ना यार भाई, मैं थोड़ी सी यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, जल्दी से जाओ यार चैनल को यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को कर दो लाइक यार, लिटरली आपका एक लाइक ना बहुत मोटिवेट करता है कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आओ। तो यार वीडियो देखा करो तो लाइक भी कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगे यार गाइस। तो चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेस की तरफ। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी के कलेक्शन के पास, और भाई बात इस बार ये है ना कि ये जो सामने बंदा साइकिल चला रहा है ना, इसने बोला यार आप गाड़ी चलाओ मैं आपके साथ रेस लगाऊंगा। तो बोला भाई कोई टेंशन नहीं यार आ जा रेस लगा ले। तो चलो यार इस बार इस साइकिलिस्ट को भी लेके चलते हैं, और हम लोग इस बार अपनी BMW की i8 को टेस्ट करने वाले हैं। सो बाकी ये साइकिलिस्ट यहाँ पे भाई साइकिलिंग की प्रैक्टिस किया पड़ा है, चलो यार इसको भी लेके चलते हैं यार, इतनी ज्यादा साइकिल चला रहा है, इसको अपनी गाड़ी बहुत पसंद आई है। तो चलो हम साइकिलिस्ट को भी लेके आ चुके हैं, और भाई देख सकते हो साइकिल उसने पीछे खड़ा किया, वो देखो लगा हुआ है ट्रैक पे, तो चलो उसको आगे जाने देते हो। भाई अपनी गाड़ी भाई उसकी हालात पूरे तरीके से खराब कर देगी भाई, ये कहाँ जीतेगा, ये क्या साइकिल लेके आ गया है यार। तो चलो यार उसकी भाई मन था तो आ जाने देते, वो ऐसे भी आखिरी पे ही चल रहा है और आखिरी पे चलेगा। तो चलो अपनी BMW iX को फुल ऑन भगाते हुए चलते हैं। वैसे तो ये अपनी इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार होने के बाद भी पावर की कोई भी कमी इसके अंदर नहीं है। तो चलो फुल ऑन भगाते, और भाई ये क्या सीन है यार, इन लोग मतलब कि कहीं पे भी गाड़ी ठोक देते हैं, और भाई सियान वाला नशे में चला रहा है, आधे नशे में है, लिटरली कहीं पे भी चढ़ा देते हैं। वो देखो भाई ये गलत सीन था यार, ये गलत सीन था। तो चलो इसको फुल ऑन भगाते हुए ले चलते हैं, अपनी गाड़ी फुल ऑन अपने कंट्रोल में। बाकी ये वेन्यू वाला क्या ही चला रहा है यार, मतलब यहाँ पे कोई भी भाई गाड़ी चलाने का किसी को भी ढंग नहीं है, कुछ भी कैसे भी चलाते हैं। और बाकी हम लोग फिर से आ चुके उसी ट्रैक पे फुल ऑन भगाते हैं, बाकी रेंज रोवर भी अच्छा भगा रहा है वो बंदा, अच्छा छोड़ो गया खाओ एक बार देखो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल सीन हो जाता है। तो हम लोग फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, और भाई चलो चलते चलते थोड़ा सा स्पीड में डाउन करता हूँ यार, किसी को तो अपने टक्कर में आने दो यार, क्योंकि तुम्हारा भाई चलाता ही ऐसी गाड़ी है। तो चलो यार फुल ऑन भगाते हैं, मैं एक काम करूँगा एंड ट्रैक पे थोड़ा सा स्पीड डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि यार कोई तो आए यार अपने टक्कर में, ऐसे तो हम लोग यू जीत जाए भाई। इलेक्ट्रिक कार में लिटरली बहुत पावर होती है यार, बहुत ज़्यादा, देख सकते हो क्या उड़ रही है गाड़ी। और भाई इसी के साथ रेस भी ओवर होने वाली, तो चलो यार थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करते हैं। ओके स्पीड डाउन किया, देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है। तो गाइस अपने पीछे आ चुके, हो भाई गलत टक्कर भाई, अरे यार ये नहीं होना था भाई, ये बुरा लगा भाई, रेंज रोवर और हमारे में टक्कर चल रही थी, उतने में जी वैगन ने आके हाथ मार लिया, जी वैगन फर्स्ट हो चुकी है, हम लोग सेकंड आ गए, थार थर्ड आ गए भाई, लिटरली ये क्या सीन था, लैम्बोर्गिनी फोर्थ भाई, ये देख सकते हो यार ये ब्रेजा कैसे आगे पलट चुकी है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गलत सीन हुआ है, और भाई ये लोग आके यहाँ ठोके जा रहे हैं, हम लोग सबसे पहले साइड हो जाते भाई, नहीं तो ये लोग अपनी गाड़ी के हालात खराब कर देंगे। तो चलो हम लोग आ चुके भाई, ये रेस भी यहीं पर हो चुकी है ओवर, बाकी BMW i8 भाई आउट ऑफ कंट्रोल, और गाइस अपने लग गए सीन भाई, अपनी गाड़ी फुल ऑन ब्लास्ट हो गई, हम लोग भाई जल्दी से उतरते भागते गाड़ी के बाहर, नहीं तो बहुत गलत सीन होगा, जल्दी जल्दी भागते भाई, लिटरली गाड़ी में आग लग गई यार, बहुत बुरा हुआ। तो चलो यार अपने को नई BMW i8 खरीदना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए। सो ऑलराइट गाइस हम लोग आ चुके हैं फिर से अपने नेक्स्ट ड्रैग रेस की तरफ, और इस बार यार हम लोग अपनी प्यारी सी लैम्बोर्गिनी सियान रोस्टर को करने वाले ट्राई, और लिटरली आने वाला बहुत मजा। सो चलो गाइस एक बार रोस्टर को भी हम लोग एयरपोर्ट वाले ट्रैक पे लेके आ चुके हैं, और देखते यार कैसी परफॉर्मेंस निकाल के देने वाली है। बाकी बुगाटी वगैरह सारी गाड़ी है यार, सुपर कार सारी गाड़ी। और गाइस एक चीज तो मैं बोलना ही भूल जा रहा हूँ आपको, आप कौन सी नई गाड़ी चाहते हो, मैं आपके लिए नई नई गाड़ी इसमें ऐड करूंगा यार, उससे भी रेस करूंगा, कमेंट सेक्शन में बताया करो यार, आप लोग क्यों नहीं बताते मुझे समझ नहीं आता, लेकिन कमेंट सेक्शन यार आप लोग के लिए ओपन है, वीडियो कैसी लगती है आप वो बता सकते हो मुझे, बाकी कौन सी गाड़ी ऐड करना है, और साथ ही साथ आप सुपर बाइक्स के भी नाम बता सकते हो यार, सुपर बाइक को भी ऐड करेंगे हम लोग बहुत ही जल्द, जिसमें सुपर बाइक सुपर कार सारे लोग टेस्ट करेंगे, लिटरली आएगा बहुत ही ज़्यादा मज़ा आगे के कंटेंट्स में। और गाइस अगर आपको ये ड्रैग रेस वाली सीरीज अच्छी लग रही हो ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं और भी अलग अलग नेक्स्ट लेवल सीन वाले ड्रैग रेस लेके आऊँगा। फिलहाल तो अभी हम लोग
थोड़ा सा अपने रेस पे ध्यान दे देते हैं। बाकी सियान चलने में बहुत अच्छी है, लेकिन यार ये लोग ठोके पड़े हैं लिटरली भाई। बुगाटी वाला भी बहुत अच्छे से चला रहा है गाड़ी, समझ लो यार। चाहे तो बहुत बुरी उड़ा के ले जा सकता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहा है कि किसी से भाई टक्कर भी ना हो और अच्छे से चल भी जाए। तो भाई ये बात होती है, ये होते हैं भाई असली ड्राइवर, ना कि ये जैसे सारे गाड़ी वाले भाई ठोके पड़े एक दूसरे को लिटरली। तो चलो फुल ऑन सियान को भगाते हैं यार, कोई टेंशन की बात नहीं, अपनी सियान भागने में कहीं से भी पीछे नहीं है। तो भगाते हुए ले चलते हैं हम लोग, इस समय थोड़े से पीछे से चल रहे थे, लेकिन यार ओवरटेक तो यू हो जाएगा। बाकी फार्मूला वन रेसिंग कार अपने साथ फुल ऑन टक्कर दे रही है भाई, फार्मूला वन बहुत अच्छी चला रहा है। हम लोग ना बहुत ही जल्दी चलने वाले अपने रेस ट्रैक के ऊपर, मतलब कि बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तो रेस ट्रैक के ऊपर फार्मूला वन के साथ हम लोग रेस करेंगे। तो देखते हैं यार वहाँ कौन जीतता है, क्योंकि वहाँ पे भाई फार्मूला वन बनी ही होती है उस रेस ट्रैक पे चलाने के लिए। फिलहाल के लिए अभी अपनी सियान बहुत अच्छी चल रही है, इसी तरीके से फुल ऑन भगाते हुए हम लोग लेके आ चुके सियान को यहाँ तक। यहाँ पे एक मारते प्यारी सी ड्रिफ्ट और भाई लेके चलते इसको फटाफट से। तो बाकी अपनी सियान देख सकते हो यार, काफी ज्यादा मस्त सी लुक निकाल के देती है अपने को, और फर्स्ट पोजिशन यार होल्ड कर रहे हैं, अपने को यार यही पोजिशन होल्ड करनी थी। तो चलो यार इसी के साथ आ चुके हम लोग लास्ट लैप की तरफ मेरे ख्याल से, और भाई ये लैप अगर हम लोग जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, और हम लोग लीड लेके चले। लेकिन अपने पीछे ही एक गाड़ी चली जिसका नाम है पोर्श, तो फुल ऑन टक्कर उससे चल रही है, लेकिन हम लोग यार उसको आगे नहीं निकलने देंगे, क्योंकि अपने पास भी यार सियान है जो कि एक सुपर कार है, और लिटरली उड़ने को ये भी रेडी रहती है। स्पीड देख रहे हो गाइस, 250 की स्पीड तो यू क्रॉस कर देती है। तो चलो यार इसी के साथ इसको लेके चलते फटाफट से भागाते हुए आगे की साइड पे। और गाइस अभी मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूंगा, प्लीज यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो ना यार, लाइक कर दो यार वीडियो को यार, बहुत अच्छा लगता है अगर आप लाइक करते हो। तो चलो हम लोग आ चुके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यार पोर्श के आने का, बाकी सिनेमैटिक्स देख लो। और भाई पोर्श आ चुकी है, तो इसी के साथ इसको करते ओवर। तो सबसे पहली गाड़ी अपनी लैम्बोर्गिनी सियान है, सेकंड अपनी पोर्श आ चुकी है, थर्ड देखते भाई कौन सी है, थार तो अभी इस लैब को स्टार्ट किया है। थर्ड अपनी आप देख सकते हो BMW की X7 है, बाकी बुगाटी है, और भाई मैक्लारेन है, और बाकी अपनी ओ वाली भाई F1 फार्मूला रेसिंग कार। तो यार ऐसे ही सब आते जा रहे हैं। तो ये भाई ये थी कुछ रेस की स्टैट्स। तो आपको यार ये वाली रेस कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो यार ये रेस तो फिलहाल ओवर होने वाली है, बाकी अपनी लैम्बोर्गिनी सियान की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। तो चलो यार फिलहाल के लिए अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, और चलते हैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी के साथ नेक्स्ट रेस की तरफ। चलो गाइस हम लोग आ चुके यार अपने नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, जो कि अपनी BMW की IX है। और भाई इसका लुक्स, इंटीरियर तो मैंने आपको दिखाया नहीं, तो एक बार इंटीरियर देखो, ओ भाई बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल, मतलब सनरूफ वगैरह सब कुछ है गाड़ी में। तो चलो यार इसको टेस्ट करने वाले हैं यार, इसकी कैसी परफॉर्मेंस निकल के आने वाली है। फिलहाल मैं आपको बता दूं ये भी अपनी एक इलेक्ट्रिक कार है, यार वैसे जज करना कि ये कैसी परफॉर्म करने वाली है। चलो अपनी इलेक्ट्रिक कार को हम लोग लेके आ चुके, बाकी ये क्या भसड़ है यार, मतलब BMW X7 को भाई ठोकते थवाते सब ले गए। तो चलो फुल ऑन भगाते हुए ले चलते अपनी IX को भी, और भाई यहाँ पे मतलब लिटरली गाड़ी को एक दूसरे ठोके पड़े, ये ऑरेंज टीम यहाँ क्या कर रही है लिटरली। चलो हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं, हम लोग काफी ज्यादा पीछे हो गए, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है यार, IX इज अ वेरी पावरफुल कार, मतलब बहुत ही ज्यादा पावर है यार इसके अंदर। तो हम लोग देख सकते हो यार पावर का नतीजा यार, अभी चलते हो यार वेन्यू को भी पीछे करते हैं, टाटा बाय बाय वेन्यू, सॉरी टू से हम लोग को गाड़ी फुल ऑन भगानी पड़ेगी। सामने बुगाटी जा रही है, उसको पीछे करना थोड़ा सा मुश्किल का काम है, लेकिन यार तुम्हारा भाई बहुत ही हैवी ड्राइवर है, देख सकते हो यार सामने वाला कितना ज्यादा हैवी ड्राइविंग कर रहा है। और भाई बुगाटी ने हेल्प कर दी लिटरली, मैं सामने जाने वाला था, इसने मेरी हेल्प की मुझे टर्न करने में, तो भाई थैंक यू बुगाटी। चलो चलते हैं, और बाकी बुगाटी का एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा गंदा सीन था भाई। तो चलो यार जल्दी चलते हैं रेस को करते हैं एंड, ये बहुत ज्यादा छोटी सी रेस थी, मुझे पता है यार आप लोग को लग रहा होगा ये छोटी सी रेस है। तो चलो यार फुल ऑन भगाते सामने की साइड पे, और होने वाली भाई रेस ओवर, हम लोग आने वाले फर्स्ट, बाकी थार से थोड़ी टक्कर हो गई, देखते हैं सेकंड कौन सी आती है भाई। तो बुगाटी आ चुकी है वैसे कि सेकंड, थर्ड गाड़ी कौन सी आने वाली है भाई, कोई टक्कर ना दे मुझे। और हो भाई वेन्यू आ गई, थोड़ी सी टक्कर लगा दी इसने मेरे को, और बाकी रेंज ओवर आ रही है भाई, ब्रेकिंग बहुत अच्छी इस गाड़ी की, हो भाई मैक्लारेन वगैरह सारी गाड़ी आ रही है, लैम्बोर्गिनी सियान मैक्लारेन। तो भाई ऐसी सारी गाड़ी आते जा रही है, टॉप 5 कार आपने देख ली, 6 देख ली, 7 भाई BMW की X7 फरारी, सारी गाड़ी आ चुकी है। तो यार गाइस ये वाली रेस भी होती है यहीं पे ओवर। सो गाइस ये वीडियो भी यहीं पे ओवर होती है। आपको यार ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना यार, बिल्कुल बताना। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना यार
एक लाइक कर देना यार मेरे लिए, मतलब आप लोग यार, और चैनल को यार जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, हम लोग को 1K की फैमिली को बहुत जल्दी हिट करना है। और गाइस इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए गुड बाय। और आपकी स्क्रीन पे आ रही कुछ वीडियो, तब तक।